यार, इस शौक से एक आफ्ताब आया है, उठो जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो कल कह रहे थे मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी ना खाता हूँ। वो हाथ को इस तरीके से लेते और पूछ करते हैं, कितना अश्लील है, भगवान मुझे मौत आ जाए, हम जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक। और हम गरीब हैं, हर दिन जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे मौत से लड़ रहे हैं। अगर विपक्ष ना होगा तो आवाज कौन उठाएगा कि हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जो सोनीपत से खड़ा होकर 8 साल पहले ये कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो कुंभकर्ण की नींद जाके सो गए हैं। अगर किस पार्टी से हैं आप? किसी भी पार्टी और संगठन से नहीं, कांग्रेसी हैं। अरे हम किसी कौन फंडिंग कर रहा है आपको? मेरी माँ करती है 100 रुपए। कल कह रहे शाहीन बाग वाले हैं और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, किसान आंदोलन वाले हाँ हैं। और हम आपका भी बड़ा आभार करते हैं, आपने भी लोकतंत्र को जिंदा रख रखा है। सिंह और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। मेरे साथ है मोहम्मद इरफान। मैं इनसे बात करना चाहूंगी कि इतने दिनों से लगातार जो है पहलवान धरने पे हैं और अब तो FIR भी हो गया, घर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सबसे पहले आपके श्रोताओं और पाठकों को मेरा हृदय की गहराई से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। दीदी, मैं इस देश की मेहनत कश आबादी का, बहुत बड़ी आबादी का एक हिस्सा हूँ और मैं जंतर मंतर आया हूँ। और मेरी फंडिंग कहाँ से होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आने की फंडिंग ये होती है भैया, अब ये 10 ही रुपये बचे हैं और ये 50 रुपये का पास है जिससे मेरी मम्मी से मैं 100 रुपये मांग के लाया हूँ। हम इस देश की उस महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए आए हैं जिन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है और 10वें दिन ये आंदोलन अपने पड़ाव पे है। इसीलिए सरकार से कहते हैं कि इन मैत्रियों ने 10 दिन है ना हित वचन दिए सरकार को कि हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ब्रिजभूषण सिंह जी कह रहे थे, जो अध्यक्ष है जिनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और विनय फोगाट जिनके बारे में बताती है कि बड़ा दमंग और बाहुबली और पूंजीपति और समानतावादी व्यक्ति है, बहुत ताकतवर है। और आप देख ही रहे हैं जो सोनीपत से खड़ा होकर 8 साल पहले ये कहते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो कुंभकर्ण की नींद जाके सो गए हैं। हम उनका आदर और सम्मान करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, JP नड्डा जी से, लेकिन वैचारिक तौर पे अगर उनकी नीतियाँ गरीब, महिला, युवा विरोधी रहेगी तो हम उनसे लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हम गरीब निर्धन लोग हैं। अगर किस पार्टी से हैं आप? किसी भी पार्टी और संगठन से नहीं, कांग्रेसी हैं। अरे हम किसी कौन फंडिंग कर रहा है आपको? मेरी माँ करती है 100 रुपए। मेरी माँ फंडिंग करती है 100 रुपए। और हम गरीब हैं, हर दिन जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे मौत से लड़ रहे हैं। और हमने मखमल के गद्दे पे और 30 लाख की गाड़ी में सफर नहीं किया, हम रोटी पे यकीन करने वाले लोग हैं और अपने जीवन से किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करते। ये उम्मीद करते हैं, मुझे जवान दी है मेरे मालिक ने, राम जी ने, अल्लाह ने, बुद्ध ने, नानक ने, इन सब ने मुझे जो उम्र दी है, मुझे जो जवान दी है और प्रगति के मानने वाले लोग हैं। अरे अब तो इनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया, अब तो चले जाना चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम लीगली इतने बड़े जानकार नहीं है लेकिन हम इतने जानते हैं कि किसी नाबालिग बच्चे ने ये कहा, मॉम मेरे साथ पेट टचिंग हुई है, तो पोस्को के अधीन उसकी पहले गिरफ्तारी और बाद में जांच होगी। और मैं गरीब आदमी भी, आप जाके CP में किसी थाने में कह दो इरफान ने थोड़ा सा मुझे इस नजरिए से देखा है, तो पुलिस मुझे टमाटर की तरह लाल कर देगी, बाद में जांच, बाद में धारा वगैरह लगेगी। ये हम जानते हैं कि गरीब और अमीर के इस फासले को दूर होना चाहिए, न्याय के पटल पे सबको बराबरी पे आना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, MP हो, MLA हो, गरीब हो, मजदूर हो। वो कह रहे हैं जाति बात, परिवार बात कर रहे हैं खिलाड़ी। जब ये खेल रहे थे ना, ये हरियाणा ना पंजाब ना बिहार के लिए, ना हिंदू ना मुसलमान के लिए, ना जैनी ना पारसी के लिए, ना सिख ना ईसाई के लिए, ना किसी के लिए। ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे विश्व के पटल पे, जब खेल रहे थे तो भारतीयों के लिए खेल रहे थे, जब जीतते तो हम मुस्कुराते थे। आज भी विपत्ति में आए हैं, सरकार से कुछ सवाल करते हैं, न्याय की उम्मीद करते हैं, तो सरकार कहती है कि भैया ये तो महादेव एकेडमी से हैं, ये तो दीपेंद्र हुड्डा के आदमी से हैं, ये तो विशेष किसी धर्म और जाति से हैं। तो ये बांटने वाली राजनीति नहीं चलेगी, हम हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे आपसी कोई विवाद हो सकते हैं, हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह, अशफाकुल्ला शहीद भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर, गांधी और दादा छोटू राम के वंशज हैं, हम लोग इस देश से और इस जमीन से प्यार करते हैं, जमहूरियत और आइन के मानने वाले लोग हैं,
संविधान के और लोकतंत्र के पुजारी हैं। सुनिए, हम गरीब और निर्धन लोग अगर यहाँ खड़े हैं, से फंडिंग हो रही है, पूरा दे, मेरी मम्मी देती है 100 रुपया फंडिंग। इतनी बड़ी फंडिंग है कि 10 रुपया बचे, चाय पी ली है, बजाज का पास बना लिया, अभी इसकी कचौड़ी खा ली सीपी में, ये फंडिंग है। और अपनी बहन कांग्रेस वाले बोलते हैं आपको बोलने के लिए, भैया बात सुन लीजिए, कांग्रेस आप विपक्ष, कांग्रेस मतलब विपक्ष, तृणमूल कांग्रेस मतलब विपक्ष, आम आदमी मतलब विपक्ष, RLD मतलब विपक्ष, NLO मतलब विपक्ष। अगर विपक्ष ना होगा तो आवाज कौन उठाएगा? यही तो संविधान की खूबसूरती, यही तो प्रजातंत्र लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं कि अगर विपक्ष ना हो तो ये तो फिर राजतंत्र हो जाएगा, जिसको जैसे चलाए वैसे चलाए। नहीं, शहीद भगत सिंह कहते थे मैं ऐलान करता हूँ ये एक जंग है, और ये जंग जब तक जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित है, और ये स्वाभिमान की लड़ाई है। अरे आप, मैं एक लड़का हूँ, आप एक लड़की है, हमारे आपसी कोई जज्बात हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम सड़क पे चलते खुले सांड की तरह किसी के साथ बेअदबी करते हैं। अगर करते हैं तो बिल्कुल भी न्याय की उम्मीद नहीं करते, हमारे साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अपने लिए भी ये कहता हूँ मैं, भूषण सिंह, भूषण सिंह, भूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पहले ये लोग कहते थे 100 के साथ शोषण हुआ, अब कहते हैं 1000 के साथ शोषण हुआ। ऐसे नहीं कह रहे वो, वो हाथ को इस तरीके से लेते और पूछ करते हैं, कितना अश्लील है, भगवान मुझे मौत आ जाए। 1000 के साथ हुआ है, 1000 के साथ हुआ है। जो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बात करते थे, वो पुश करने का तरीका कितना अश्लील था, आप देख लीजिए फुटेज को, मैं बहुत गौर से देख रहा था। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात करे तो मैं और पूरा देश शर्मिंदा है, और मैं इस देश के सभी प्रभावशाली आवाज़ों से, अपने खुदा से, राम से, बुद्ध से, नानक से कामना करता हूँ कि जुल्म के खिलाफ लड़ने की लोगों पे ताकत हो। और हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, हाँ मैं मोहम्मद इरफान हूँ, मेरे नजरिए को किसी भी तरीके से ले, हम इस देश के मानने वाले हैं, और यार हम मट्टी के मानने वाले हैं, प्रगति के मानने वाले हैं। आप अपने कल कह रहे शाहीन बाग वाले हैं, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, किसान आंदोलन वाले हैं, हाँ हैं, शाहीन बाग में भी थे, किसान आंदोलन में भी थे, और जंतर मंतर भी, जंतर मंतर में भी, और रामलीला मैदान में भी। हम जुल्म के खिलाफ लड़ते रहेंगे आखिरी सांस तक, हम किसी सुख की अपेक्षा नहीं करते। हमें MP MLA निगम पार्षद नहीं बनना, अल्लाह ने जवान दी, राम ने जवान दी, इसे सही इस्तेमाल में लाएंगे, हक की ज़िंदगी जियेंगे चाहे एक मिनट की क्यों ना हो, सर झुकाएंगे नहीं जुल्म के सामने, कटा लेंगे, मार दीजिए अभी। इसीलिए कहते डर नहीं लगता, दयारे शोक से एक आफ्ताब आया है, उठो है जिंदा दिलो इंकलाब आया है, वो इंकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से, वो तक तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाई जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोश वतन, तुम्हारी गोलियां खा कर भी कम ना होंगे, हाँ ये सर कटेंगे कम ना होंगे, क्या डराएंगे, इतना मारेंगे ना, मैं रो रो के कहूँगा ए माँ, ए अल्लाह, ए राम, ए भगवान, ए बुद्ध, बचा ले मुझे। मैं चाहता हूँ माता रानी मुझे इतनी सहन शक्ति दे कि मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर सकूं। इतना डर गए हैं आप? डर गए? अरे मैं कह रहा हूँ हम ताकत मांगते हैं भगवान से कि हमें इस डंडे से लड़ने की ताकत है। पे आते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपराधिक पद से इस्तीफा, जब तक आपराधी कहलाऊंगा मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे वो अपराधी कहलाएंगे नहीं, वो कल कह रहे थे मैं शिलाजीत के रोटी थोड़ी ना खाता हूँ, इससे अश्लील क्या होगा। वो कहते हैं साक्षी मलिक ने मुझे पकड़ रखा है, साक्षी मलिक ने मुझे पकड़ रखा है, साक्षी मलिक ने मुझे पकड़ रखा है, मैंने उन्हें थोड़ी ना पकड़ा। आप विश्व के पटल पे नाम रोशन करने वाली की बेटियों के बारे में अपने सफाई में इस तरीके के अल्फाज यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको सफाई देने के तरकशील तरीके निकालने होंगे, अपने शब्दों पे विराम करना होगा, आप क्या बोल रहे हैं नाप तोल के बोलना होगा। ये शिलाजीत और ये पकड़ धकड़ और ये पुश करने का जो तरीका है, ये देश स्वीकार नहीं करता। आप बेगुनाह हो या नहीं हो वो न्याय के पटल पे तय होगा, साक्षी सच बोल रही है या झूठ बोली ये न्याय तय करेगा, लेकिन आपको अपने शब्दों पे संयम बरतना पड़ेगा। हम नरेंद्र मोदी को प्यार करते हैं, अमित शाह को प्यार करते हैं, JP नड्डा को प्यार करते हैं, हम उनके वैचारिक विरोधी हो सकते हैं, हम उनका व्यक्तिगत विरोध नहीं करते, हम प्यार करते हैं। ब्रिजभूषण कह रहे हैं इन लोगों को हट जाना चाहिए, ये लोग बदनाम कर रहे हैं। वो ऐसे थोड़ी ना कह रहे, वो कह रहे हैं कि मैं आपको देता हूँ, ये मेरी पार्टी के बड़े तीन नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय JP नड्डा जी अगर मुझे कहे तो मैं इस्तीफा दे दूँ। वो एक बात नहीं कहते, फिर दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि भैया इस्तीफा लेने थोड़ी ना बैठे हैं वो लोग, वो लोग इस्तीफा लेने थोड़ी ना बैठे हैं। वो कहते हैं कि इस्तीफा लेने नहीं बैठे हैं वो लोग हम तो, हमारा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, हम लोग तो अभी चले जाएंगे,
हम लोग अभी चले जाए, हमारा कार्यकाल पूरा, हम दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे ना जी, तो ये इस्तीफा लेने के लिए नहीं बैठे हैं। वो लोग कह, भूषण जी कह रहे हैं ये लोग पॉलिटिकली लड़ाई लड़ रहे हैं। हम पॉलिटिकली लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम गरीब निर्धन रेडी लगाने वाले व्यक्ति हैं, जीवन में चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, साफ कांग्रेस इसको सपोर्ट कर रही है। अरे क्यों ना करे, हर पार्टी करेगी भाई, विपक्ष का काम क्या होता है गरीबों की आवाज़ को। एक और दावा किया कि ये लोग इसी में से कल एक नेता के लिए लड़ाई लड़ेगा। अरे नेता और लोकतंत्र में नेता बनना तो सभी को है ना, हम लोकतंत्र में नेता बनना सभी को, और हरियाणा से आते हैं ये दादा, छोटू राम की जमीन से आते हैं, उन्होंने देश को एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया है, सभी भाईचारा सभी धर्म जाति समुदाय को साथ लेने की बात करी है, उनके वंशज हैं ये, और हम नरेंद्र मोदी से भी बहुत प्यार करते हैं, वैचारिक लड़ाई है, अगर 10 दिन से उन्हें न्याय नहीं मिला इसीलिए हम आए हैं, हमारी आने की। वो कह रहे हैं कि एक दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं निर्दोष हूँ सबको पता चल जाएगा। वो तो हम कह ही रहे हैं कि अगर न्याय के पटल पे जब आएंगे तो साक्षी झूठी है, वो उनको पता चलेगा, लेकिन इसमें जो है ना शब्दों की गरिमा को बनाए रखना जरूरत है। आप ऐसे टीवी पे आके ये नहीं कह सकते कि मैं सलाजीत की रोटी थोड़ी ना खा रहा हूँ, ये शब्द अच्छे नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, आपको अपनी शब्दों की गरिमा को बनाए रखना पड़ेगा, और हम देश के प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, अमित शाह जी से प्यार करते हैं, और हम मजदूर गरीब निर्धन व्यक्ति हरियाणा की सरजमी पे हमने खाते कमाते हैं, जमींदारों की नगरी है, और बड़ा प्यार मान सम्मान मिलता है, पानी मांगोगे तो गुड़ भी देंगे, और बोली बहुत कड़क है, दिल बहुत नरम है, इसीलिए आए हैं यार। हमने ना रोहतक लोकसभा सीट पर रेडी वेडी लगाते हैं, हमने सभी को देखा है, बहुत अच्छे लोग हैं, और दादा छोटू राम के वंशज हैं ये लोग, ऐसे नहीं हरियाणा। वो तो कह रहे हैं कि अगर तीनों में से कोई एक भी कह देगा इस्तीफा दे देने के लिए मैं दे दूंगा। अरे बात देखिए, ये लीगली लड़ाई है, अभी विरोध होने जनता का विरोध क्या है, हम जैसे गरीब निर्धन लोगों का आने की वजह क्या है, हम किस लिए आए हैं। अगर खिलाड़ी की मांग ये है कि भैया हमारे को ना संतुष्टि कार्रवाई चाहिए, यानी हमें ऐसी कार्रवाई दीजिए जिससे कि हम संतुष्ट हों। देखो यह आने की वजह, बीजेपी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, देख रहे हैं यूपी में राम राज्य है, अपराधियों का ढेर किया। अपराधी कहीं भी नहीं होना चाहिए, पुलिस किस लिए बनी है, पुलिस न्याय करने के लिए बनी है, अपराधी कहीं भी नहीं होना चाहिए, यूपी क्या, दिल्ली क्या, बिहार क्या, कहीं भी, हमारे जवान हर जगह हैं, अच्छा और बुरा क्या है जनता तय करे। लग रहा है कब तक इनको न्याय मिलेगा, कब तक लड़ेंगे ये लोग। मैं बहुत सारे आंदोलनों में रहा हूँ, और आंदोलनों को ना करीब से भापा है, आंदोलन की सरजमी पे अगर गरीब और मजदूर आ गया ना, वो लड़ाई तब तक लड़ी जाती है जब तक न्याय ना हो जाए, आप मानिएगा। और मैं क्या कहता हूँ, सरकार कहती है कि आंदोलन को जो है अटकाया और भटकाया जा रहा है, आंदोलन को अटकाया, आंदोलन में राजनीतिकरण हो रहा है, आंदोलन में ये हो रहा है, आंदोलन में वो हो रहा है, टुकड़े वाले आ गए, सोशलिस्ट आ गए, कम्युनिस्ट आ गए, ये आ गए, वो आ गए, ऐसा आ गया, वैसा आ गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है, इस बात को बांधना पड़ेगा। सूरमा विचलित नहीं होते, एक क्षण नहीं धीरज खोते, तो ये सूरमा बैठे हैं, और मैं गरीब निर्धन आदमी अगर यहाँ खड़ा हूँ तो समझ लीजिए देश खड़ा है, हमने कोई सुख नहीं भोगा और सुख की अपेक्षा भी नहीं करते, राम के अल्लाह और बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, माता रानी राम जी अल्लाह पाक इस देश में अपनी खुशियां बनाए रखें हम सब पे, और हम आपका भी बड़ा आभार करते हैं, आपने भी लोकतंत्र को जिंदा रख रखा है, आपने भी लोकतंत्र को जिंदा रख रखा है, क्योंकि आप ना होते तो लोकतंत्र ना होता, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा इनको, ये मोहम्मद इरफान है, और बहुत चैनलों पे ये वायरल हो चुके हैं, और इनकी जो बात है, ये जिस तरीके से अपनी बातों को बयां करते हैं, इनके लोग फैन हो जाते हैं, इन्होंने किस तरीके से अपनी बात कही, किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाया, और अपनी पूरी बात भी कह दी।